हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की काफी डिमांड थी कि जो क्वालिटी है लक्ष्मीकांत है सर, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बता दीजिए। सारे एग्जाम आ गए हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन पर फोकस करके अच्छे से मार्क्स ला सके। देखिए थोड़ा सा ये लेट हो गया है, आप लोगों ने काफी पहले कई बार बोला है, लेकिन कई बहुत सारे काम थे। अभी आप लोग जानते हैं कि लाइव क्लासेस, अपना ऐप था, सब कुछ उसे मैनेज करना हो के, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन कोई नहीं, आज आप लोगों ने फिर से बोला था तो मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं बता देता हूँ। और देखिए इसमें पूरा एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में देखिए कौन कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम ये एनालिसिस करने के बाद में अपनी एम लक्ष्मीकांत जो क्वालिटी है रामबाण मानी जाती है इस पर आएंगे, और मैं आपको सभी चैप्टर के बारे में बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर में कौन सी चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है और किस चीज पर आपको ज्यादा से अच्छे नोट्स बनाना है। तो इन सारी चीजों पर हम बहुत ही विस्तार में आज बात करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे लाइव टेस्ट अब आप लोगों का हुआ करके, जैसे आपकी क्विज होती थी उसके जगह पर लाइव टेस्ट होगा। इसके अलावा जो आपके जो संडे को टेस्ट होता है वो आप एक ही टेस्ट हुआ करेगा, पहले दो अलग अलग टेस्ट होते थे। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उन सभी चेंजेस के बारे में एक बार आप लोग सुन लीजिए। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच में, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अभी इसकी जो फीस है मात्र 100 रुपए है, जल्दी से आप लोग जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना होगा और हमारी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप को इंस्टॉल करिए और जाने के बाद आपको यहाँ पर एक स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इसको रजिस्टर कर लेंगे उस स्टोर पे जाइए, वहां पर आपको सेकंड फाउंडेशन बैच का एक लोगो मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करिए, जाकर के उसको बाई कर लीजिए। जैसे आप अमेजन, फेसबुक, बहुत सारी जगह से आप लोग जैसे शॉपिंग करते हैं वैसे जाकर के सिंपली पेमेंट हो जाता है। आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, सभी मेथड दिए रखे, ओके। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी मदद की जाएगी, ओके। और इसके अलावा देखिए आप लोगों के लिए अब डेली इस तरह से करंट अफेयर मिलते हैं, 2 से 3 डेली करंट अफेयर दिए जाते हैं। तो देखिए इन्हें केवल इमेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है, बहुत सारा करंट अफेयर डेली आता है, लेकिन कौन सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो जो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। कहाँ मिलेगा? तो हमारी सोशल मीडिया साइट पर अगर आप ज्वाइन है तो वहां भी मिल जाएगा, और हमारी ऐप को इंस्टॉल किया है तो वहां भी आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो देखिए डेली इस तरह से आपको बहुत सारी ये टेम्पलेट बना करके भेजी जाती है, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। देखिए आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, ये आपको कल का देखने को मिलेगा और इधर वाला है ये आज का है, ओके। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये भी, ये दोनों हैं, ये आज हमने आपको बना करके दिए थे। इनमें ये सिर्फ आप लोगों के लिए देखने के लिए नहीं है, बल्कि किस लिए है, इनको आपको नोट करना है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज आपको मिलती है वो इसमें नोट करने वाली है और एक आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज है वो कवर की जाते हैं, ओके। तो इसको आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि छोटा सा यहाँ पर हमारा प्रमोशन भी है तो हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा और आप लोग हैं तो और लोगों को नॉलेज भी इससे काफी ज्यादा मिलेगी, ओके। ये देखिए हमारी ऐप है, इसको जाकर के न्यू मेंबर अगर कोई इसको देख रहा है तो जाकर के इंस्टॉल कर सकता है, ओके। इसके अलावा देखिए बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस के बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए आप लोगों ने कहा था कि जो डेली क्विज लाइव टेस्ट हुआ करेगा, उस लाइव टेस्ट में हमने एवरीडे अलग अलग टेस्ट रखे थे, लेकिन आप लोगों के कहने पर अब इस मंथ में केवल हिस्ट्री के टेस्ट चलेंगे। जो लाइव टेस्ट हुआ करेगा वो सिर्फ हिस्ट्री का हुआ करेगा। तो देखिए मंडे से लेकर के जो आपको सैटरडे देखने को मिलेगा, सब दिन आपको देखने को मिलेगा जो हिस्ट्री का टेस्ट, लेकिन एक दिन है सैटरडे वाले दिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मैपिंग का टेस्ट रख दिया है, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है, सैटरडे वाले दिन सिर्फ मैपिंग का टेस्ट होगा, इसके अलावा जो भी आपको इधर देखने को मिल रहा है यहाँ पर हिस्ट्री के टेस्ट हुआ करेंगे। और संडे को देखिए, ये संडे को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस सेकंड आपको दिखा देते हैं, देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ओके। ये फुल टेस्ट है, ये हमारी ऐप के ऊपर होता है। अगर आप इसको देना चाहते हैं तो आप इसको भी दे सकते हैं, जो संडे को टेस्ट होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने हमारे कोर्स को परचेस नहीं किया फिर भी आप इसको दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी टाइमिंग है वो 10 बजे है। आप हमारी ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर ये टेस्ट चलता है, वहां पर आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं। सुबह 10 बजे संडे को, एवरी संडे को टेस्ट होता है, फुल टेस्ट होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, माइनस मार्किंग होता है, सब कुछ उसी तरह से होता है। और देखिए जो डेली क्विज चला करेगी, जो लाइव क्विज चला करेगी वो इस तरह से चलेगी, और कितने बजे चलेगी, रात में 11 बजे, ओके। आप लोगों ने जैसा टाइम डिसाइड किया था उसी टाइम को, क्योंकि इस टाइम सभी के लिए सुटेबल है। कोई भी अगर कोई जॉब करता है, कोई भी अदर क्लासेस करता है, कोई भी एग्जाम देता है, फिर भी 11 बजे रात में आकर के इसको दे सकता है। और इसमें लगभग में 30 क्वेश्चन आपकी डिमांड के अनुसार अगर आप लोग चाहते हैं तो 30 से 40 भी कर दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से देखिए लाइव क्यों चला करेगी, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही डेली 11 बजे चला करेगी, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से इसमें आंसर भी बताया जाएगा, तो आपकी डेली इस तरह से प्रैक्टिस हुआ करेगी, ओके।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके डेली 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस हुआ करेगी। कब से? 15 जून से। कब से? 15 जून से ये टेस्ट, लाइव टेस्ट में स्टार्ट हो जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके, कहाँ स्टार्ट हो जाएंगे? हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे यूट्यूब चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप संडे वाला देना चाहते हैं तो संडे वाला देने के लिए हमारी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं हमारी ऐप है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी बता देते हैं। देखिए इसमें जो हमारा बैच है, ओके, इसमें 100 रुपए फीस है। आपको यहाँ पर इतनी सारी चीजें मिलेंगी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज लाए, और जो आपके लाइव टेस्ट होते हैं, गाइडेंस होता है, ये सारी चीज आपको हमारी ऐप के ऊपर मिलने वाली है। ओके, तो जल्दी से करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारी। ओके, इसके अलावा एक अचीवर बैच लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में भी जो हमारे चैनल पर आपको नॉलेज मिल जाएगी। देखिए अगर हम इसकी बात करें संविधान पॉलिटी की, यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, संवैधानिक विकास। ओके, जो संवैधानिक विकास है, देखिए मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहे। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं जो पहला है संवैधानिक विकास, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक दो क्वेश्चन आता रहता है। आप लोग देखेंगे 2015 यहाँ पर 2004 से लेकर के 2015 तक का डेटा दिया रखा है। इसके आगे का भी डेटा आपको दिखाया जाएगा क्योंकि जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तब आपको लेटेस्ट डेटा भी आपको दिखाएंगे। ओके, तो अभी जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आपको 2020 तक का डेटा दिखाएंगे कि आपकी अभी कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। ओके, अभी ये क्या है, अभी हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, इंस्टेंट आप लोगों ने बोला था कि सर हमें वीडियो चाहिए तो इंस्टेंट चाहिए थी, तो पुराना डेटा था हमारे पास, वही हमने यहाँ पर लगा दिया। तो लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, लगभग में वही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि संविधान का परिचय, और यहाँ पर आप देख सकते हैं संघ के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में, इसके अलावा नागरिकता के बारे में, और यहाँ पर मौलिक अधिकार, और यहाँ पर आपको मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सारे टॉपिक्स से आपको देखने को मिलेगा। लगभग में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते रहे। देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अब वर्तमान में आपको जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गया, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य हो गया, DPSP हो गया, यहाँ से क्वेश्चन अब ज्यादा आते हैं। आप लोग देखिएगा, रिसेंट आपको दिखाएंगे डेटा बाद में, तब आप लोग देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, और मौलिक अधिकार से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अब देखिए एक कब का डेटा है 2015, तो 2015 से पहले मौलिक अधिकार पर इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन आज हर कोई राइट्स की बात करता है, तो इसीलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा। देखिए जो भी करंट अफेयर में ज्यादा आएगा उससे ज्यादा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं संघ की कार्यपालिका, जैसे कि संसद हो गया। ओके, यहाँ से देखिए क्वेश्चन अक्सर से बहुत ज्यादा पूछे जाते रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब संघ की कार्यपालिका जितना इंपॉर्टेंट आप लगाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अभी आपको चैप्टर भी दिखाएंगे। ओके, अभी क्या है, ये आपका एनालिसिस करा रहे हैं चैप्टर वाइज। ओके, तो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहे, लेकिन संघ की अपेक्षा थोड़े से कम आते हैं। यहाँ पर लगभग 50% आपको देखने को मिलेगा। देखिए न्यायपालिका, न्यायपालिका से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो न्यायपालिका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एकदम छोड़ना नहीं है। देखिए संशोधन, ओके, विभिन्न प्रकार के संशोधनों के बारे में बताया गया, और जो संशोधन होते रहते हैं वहां से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ये टॉपिक भी आपको नहीं छोड़ना है। देखिए स्थानीय प्रशासन से पहले ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब स्थानीय प्रशासन से भी नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बहुत सारी स्कीम लाई जा रही है उस पर, बहुत सारी नीतियां बनाई जा रही है, इसीलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये डेटा कब है, 2015 का डेटा है, लेकिन अब यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं परिसंघ, तो यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं आप देखेंगे, और निर्वाचन है, यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं, और विविध से भी आपको नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कि दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो विविध वाला जो टॉपिक है ये भी आपको नहीं छोड़ना है। ओके, तो ये चीजें आपको सभी देखनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न, तो लगभग में अगर आप यूपीएससी आईएएस की बात करें तो लगभग में 18 से 22 से 25 क्वेश्चन लगभग में पूछे जाते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। किसी साल है वो 15-16 भी पूछ लेते हैं, किसी साल है वो आपको 20-25 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे होता रहता है, ये कोई भी बड़ी समस्या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं किसी साल 9 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे, किसी साल 19 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे, जैसे लास्ट ईयर आप देखेंगे एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए थे, तो देखिए वो थोड़ा सा वैरी करता रहता है। ओके, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलेगा कि लगभग में 15 से 25 के बीच में ये वैरी करता रहता है, तो इतने क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जिसने पॉलिटी स्किप कर दिया भाई उसका क्या है, सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पॉलिटी क्या है,
पॉलिटी आपको पढ़ना है, पॉलिटी बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। चलिए अब हम चलते हैं पॉलिटी के ऊपर, देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं और उनमें से कौन सा आपको पढ़ना है, तो बहुत अच्छे से अभी आपको बताते हैं। ओके, तो देखिए एक कौन सी बुक है, एम लक्ष्मीकांत, आपको देखने को मिलेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आती है, आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट है आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला आपको देखने को मिलेगा भाग एक संवैधानिक ढांचा। भाग एक संवैधानिक ढांचा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या क्या है आपको देखने को मिलेगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बताया गया है कि यहाँ पर कैसे हमारे संविधान का विकास हुआ। ओके, तो उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं, कहाँ कहाँ से थोड़ी ली गई हैं, तो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बताया गया है, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो ये आपको पढ़ के निकल जाना है। ओके, और कुछ कुछ चीजें हैं वो नोट कर लेनी है, अगर कुछ वीडियो है जाकर के हमारे यूट्यूब पर देख लीजिए, पड़ी हुई है। वैसे हमारा पॉलिटी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है, सेकंड फाउंडेशन बैच है हमारा, उसमें नेक्स्ट मंथ ओके सितंबर से आप लोग देखेंगे, सितंबर में, अभी क्या जून जुलाई अगस्त, सॉरी ओके सितंबर नहीं, अगस्त में हम लोगों का पॉलिटी ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगस्त, 1 अगस्त से अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, 1 अगस्त से आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण करने के लिए आप लोग देखेंगे कि एक सभा की आवश्यकता पड़ी, तो इसमें क्या क्या आपको देखना है। तो देखिए संविधान सभा की मांग, ये नॉर्मली देख लेना है, लेकिन संविधान सभा का गठन कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। देखिए मैं साइड से हट जाता हूँ। इसके अलावा आप देखिए उसकी कार्यप्रणाली देखना चाहते हैं, समितियां हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ समितियां देख लेनी है। और देखिए ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आलोचनात्मक, जैसे जो समिति थी हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा की जो आलोचना की जाती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आलोचना में आपका तर्क क्या है, आलोचना जो आलोचना करते हैं उन लोगों का तर्क क्या है, और आपका मत अंत में क्या होगा, आप किसके ओर होंगे। तो आप जब ये पढ़ेंगे ना तो आपका ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पीटी के लिए तो है ही है। ओके, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है, आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है। ओके, फिर इसके आगे थोड़ा सा चलते देखते हैं इसमें और क्या दिया रखा है। देखिए आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा हम बता रहे हैं वो किस चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए संविधान की विशेषताएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए संविधान की विशेषताएं, देखिए साइलेंट फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइलेंट फ्यूचर, तो इसमें देखिए संविधान की हमारी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान में जैसे जैसे गणतंत्र दिया रखा है, हमारा जो संविधान है उसमें हमारे देश की प्रकृति के बारे में बताया गया है, जैसे हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था देखने को मिलेगी, केंद्र की ओर झुकाव देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो हमारे संविधान में दिया रखा है, तो उसके कौन कौन सी विशेषता है, उन विशेषताओं को आपको देखना है। ओके, इसके अलावा आलोचना, आलोचना इंपॉर्टेंट हो जाती है किसके लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेंस के लिए आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको स्किप नहीं करना है। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना को आपको एकदम घोल के पी जाना है, आपको इसमें ना केवल इंपॉर्टेंट लगाना है बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है। देखिए लास्ट ईयर के अगर आप देखेंगे तो लगभग में हर साल यूपीएससी और अगर आप पीसीएस की बात करें, इनमें किसी ना किसी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो जितना आप इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं प्रेम्बल को, प्रस्तावना को, तो जितना इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पे बनाई, आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका क्रम है वो आपको देखना है। ओके, इसके अलावा संघ एवं राज्य क्षेत्र, ओके ये भी आप इसको देखिए नॉर्मली देख करके निकल जाइए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, नॉर्मली इसको देख करके निकल जाइए। ओके, संघ एवं राज्य क्षेत्र, देखिए थोड़ा सा इसमें आपको देख लेना है क्योंकि अभी आप वर्तमान में देखेंगे बहुत सारे राज्य हैं। ओके, राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे जो स्टेट हैं और उनके नाम है उनमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, नए राज्यों की मांग हो रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये किसके पास अधिकार है कि राज्य है उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। ओके, कौन से आर्टिकल के तहत किया जा सकता है, संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, ये पावर संसद के पास है या नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको देखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, वर्तमान में इसमें देखिए बहुत सारे नए राज्यों की मांग उठती रहती है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंटली आप देखेंगे हाल ही में हमने बांग्लादेश को कुछ भूमि भी ट्रांसफर की थी, आपको ध्यान होगा, और थोड़ी सी भूमि हमने भी उनकी ली थी, तो सीमा विवाद का निपटारा किया था, तो आप देख सकते हैं इसीलिए भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको एक थोड़ा सा देख लेना है, 2-4 आर्टिकल ही बस इसमें दिए रखें वही इंपॉर्टेंट है। नागरिकता, तो देखिए यहाँ पर जो नागरिकता बताई गई है ना
वो हमारा देश जब आजाद हुआ था उस समय नागरिकता की बात की गई है। तो आपको ये ध्यान में, ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना, मतलब ऐसे नॉर्मली पढ़ के निकल जाना है। लेकिन जो फिर उसके बाद जो हम देखेंगे, संसद को पावर दी गई नागरिकता देने की, और अभी वर्तमान में चल रहा है सीएए चल रहा है, तो सीएए का संबंध उसी से है, नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंध है। तो उस अधिनियम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन ओके अधिनियम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर आपको ज्यादा चीजें नहीं देखनी है, नॉर्मली आपको एक ब्रीफली नॉलेज ले लेनी है कि आखिर जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय लोगों को कौन कौन लोग हैं उनको हम भारत की नागरिकता देंगे, उसके बारे में इसमें थोड़ा सा बताया गया। तो आप लोग इसको देखिए और नॉर्मली निकल जाइए। ओके, और देखिए आईपीओ में और उसमें भी अभी परिवर्तन हुआ है, तो उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, जो विदेशी मूल के लोग होते हैं उनको नागरिकता में जो है उसमें सीपीओ और आईपीओ होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, वो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार हैं इनमें आप जितना भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देखेंगे संघीय कार्यपालिका है, जितने क्वेश्चन उससे आते हैं जितनी इंपॉर्टेंट वो है उतना ही आपको मूल अधिकार भी देखने को मिलेगा। एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से ही एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है इसको एकदम पढ़ के रट के एकदम निकल जाना है। यहाँ पर देखिए रिट है, तो रिट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचार की बात की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए समानता स्वतंत्रता और शोषण और धार्मिक, ये देखिए इनकी बात की गई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इन स्वतंत्रताओं की बात की गई, इनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि आपको वर्तमान में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे सबरीमाला का मंदिर, समानता का अधिकार। ओके, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दो मूल अधिकार है, एक धार्मिक स्वतंत्रता है मतलब अपने रीति रिवाज है उनको प्रोटेक्ट करने का, दूसरी तरफ है महिला और जो पुरुष और स्त्री है उनको समान अधिकार मिलने चाहिए, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो सबरीमाला मंदिर, तीन तलाक महाबला आ गया ना कॉन्फ्लिक्ट, एक तरफ है जो धार्मिक स्वतंत्रता है दूसरी तरफ है महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिया जाएंगे, समानता का अधिकार, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो इस तरह के बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, मौलिक अधिकार है उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसी तरह डीपीएसपी को जब हम लागू करते हैं तब भी क्या हो जाता है, डीपीएसपी में बहुत सारे प्रावधान लागू करने पर मौलिक अधिकारों से उनका टकराव हो जाता है, तो भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए वर्तमान में मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम ऐसे रट गए एकदम घोल के पी जाइए आप लोग। ओके, तो आप लोग समझ गए ना किस तरह से। और देखिए ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में जब हम आपकी पॉलिटी पढ़ाएंगे ना तो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम जो कहानी होती है ना उसके थ्रू हम आपको ये सब कुछ याद करा देंगे, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए मार्शल लॉ और इसमें तो देखिए इसकी आवश्यकता है नहीं है, वर्तमान में अभी एक केस आया था कि मार्शल लॉ है। ओके ओके, और इनको मार्शल लॉ हो गया, सशस्त्र बलों के लिए जो स्पेशल राइट्स दिए गए हैं इनको हटा देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया, आखिर क्यों मांग की जा रही है, तो आपको आलोचनात्मक परीक्षण पता होना चाहिए कि आखिर हमने अगर किसी के साथ इसमें मतलब किसी के साथ बुरा होता है फिर भी क्यों हमने, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हमारा लोकतंत्र है, जहां पर भी सैन्य कानून लागू हो जाता है वहां पर आप देखेंगे सैन्य कानून लागू होने पर लोगों के अधिकार है वो एक तरह से छिन जाते हैं। ओके, तो क्या होगा, ये इस तरह से एक तरह से उल्लंघन है, फिर भी न्यायपालिका ने इसको क्यों नहीं समाप्त किया, तो आलोचनात्मक परीक्षण में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। और साथ में मौलिक अधिकार है उनकी आलोचना भी की जाती है, बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि एक तरफ हमारा संविधान है वो हमें अधिकार देता है दूसरी हाथ से ले लेता है, क्योंकि उसमें एक अपवाद लगा हुआ होता है जो काफी खतरनाक है, वो भी हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो आलोचनात्मक परीक्षण जो है ये सारे टॉपिक हैं मेंस के, और ये भी जो हम आपको मार्शल लॉ के बारे में बताए थे ये भी मेंस का ही टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। ओके, इसके अलावा डीपीएसपी, तो डीपीएसपी भी टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसको भी नहीं छोड़ना है। देखिए स्टार्टिंग के थोड़ा सा आपको जो देखने को मिल रहा है ना आप कहेंगे सभी हम बताते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग ये है ये तो इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको देखने को मिलेगा जिन टॉपिक को आपको स्किप करके इसे एकदम टहलते हुए निकल जाना है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं, अब इसमें क्या क्या देखना है, जब आप देखेंगे नीति निर्देशकता तो इसमें आप देख लीजिए जो भी करंट में मुद्दे चल रहे हैं, तो कोई भी मैगजीन उठाइए, मैगजीन उठाएंगे तो आपको देखिए उसमें आप कंपाइलेशन मिल जाता है, जैसे पॉलिटी का कंपाइलेशन मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएंगे पॉलिटी में डीपीएसपी से कौन कौन से टॉपिक अभी न्यूज में रहे, उन्हीं को आप लोग पढ़ लीजिए, तो आपका ये काम हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, तो आप कम समय में स्मार्ट स्टडी करके आगे निकल सकते हैं। तो आप लोग स्मार्ट स्टडी करने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ओके, इसके अलावा मौलिक अधिकार हैं उनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर सॉरी मौलिक अधिकार नहीं, मूल कर्तव्यों की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की, मतलब कुछ
ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो नागरिक को भी दी गई हैं, भारतीय नागरिकों को दी गई हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है भैया, सोर्सिंग समिति है, उसने कौन कौन सी सिफारिश की थी, उसमें से कौन कौन सी मान ली गई थी, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये आपको देखना है। और जो आलोचनात्मक परीक्षण है वो भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ऐसी चीजें किसके लिए है, उसके लिए। और साथ में आप देखेंगे मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, ये बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ बाध्यकारी नहीं है, लोग इसको करते ही नहीं है, तो ये काहे के लिए हमारे संविधान में डाला गया है, इसका कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है महत्व, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको समझना है। मेंस और पीटी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संविधान संशोधन 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन सभी नहीं पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने हैं आपको, 100 से पहले आपको देखने हैं, आपको जैसे 5 से 7 ही हैं जो इंपॉर्टेंट हम आपको बताए भी थे, कई बार बता चुके हैं। ओके, तो वही आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो रिसेंटली लगभग 5 संशोधन लास्ट के जो 5 है वो आपको देख लेने हैं, इतने ही संशोधन आपको देख लेने हैं, जो आपको 5-6 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, जैसे आपको 42वां देखने को मिलेगा, 44वां, 46वां, ओके, 76वां, और आपको देखने को मिलेगा 71वां, तो इस तरह के 93वें, और ये सारे क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको देखना है, कि 61वां भी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेने। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं तो बाद में इनमें सेंड कर दिया जाएगा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है 7 से 8 है बस जाता है, नहीं पढ़ने हैं नॉर्मली देख लेना, अगर न्यूज में आता है तो स्पेशली किसी पर फोकस कर लेना है जा करके। ओके, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद भारत की मूल संरचना के बारे में बताया गया। अब देखिए मूल ढांचे के बारे में, तो मूल ढांचा है, यहाँ से तो भाई क्वेश्चन अब नॉर्मली बनने लगे हैं, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट है, ना केवल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भैया, कौन बताएगा, ये न्यायालय बताएगा। तो इसमें आप देखेंगे भैया कई सारे केस आए हैं, और वर्तमान में इसमें कई सारे रिसेंटली चेंजेस भी हुए, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, 2015 से पहले देखेंगे तो इसमें ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब देखिए सरकार की प्रणाली, ये तो हम आपको बताए थे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो संघीय प्रणाली और इसी से आते हैं, तो आपको इसमें ये मूल अधिकार है ना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार है उससे भी ज्यादा, आप जितना भी इंपॉर्टेंट 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 लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। जो संसद की व्यवस्था क्या क्या है, हमारी संसद है उसकी विशेषताओं के बारे में देखना है। ओके, राष्ट्रपति शासन क्या है, राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है, किन किन आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, कौन कौन से आर्टिकल में दिया रखा है। ओके, और हमारी जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ओके, और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके गुण और दोषों के बारे में भी आपको देखना है, ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीटी के लिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारी जो संसद है वो यूएसए के इधर ज्यादा उसका झुकाव देखने को मिलेगा या फिर ब्रिटेन के इधर ज्यादा झुकाव देखने को मिलेगा, ये भी आपको देखना है। ये क्या है कंपेरेटिव स्टडी है, इसीलिए ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पीटी के लिए भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पीटी के लिए कौन से एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा संघीय, अगर संघीय व्यवस्था की बात करें तो संघीय व्यवस्था में आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्मली थोड़ा सा देख लेना है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा देख लेना है और नॉर्मली देख करके निकल जाना है। केंद्र राज्य संबंध में आपको देखने को मिले, सॉरी ये ऊपर पहुंच गया संघीय व्यवस्था। ओके, फेडरल सिस्टम, इसमें नॉर्मली आपको देख करके निकल जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था होने के बाद भी केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव है, जो कनाडा से हमने जो थोड़ा लिया है। ओके, क्योंकि केंद्र का सशक्त होना भी आवश्यक था, क्योंकि हमारी भारतीय परिस्थितियां थी वो कुछ ऐसी थी, तो नॉर्मली इसको पढ़ के निकल जाना है। लेकिन केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध बहुत ज्यादा अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसीलिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, 14वां वाला केंद्र राज्य संबंध वाला, इसको नॉर्मली पढ़ के निकल जाना है एक बार। ओके, इसके अलावा अंतर राज्य संबंध है, ओके, इसमें कुछ परिषदें हैं अंतर राज्य, जैसे कि जो विवाद हो जाते हैं उनको सुलझाने के लिए बहुत सारी परिषदें बनाई जाती है, वो आपको देखना है, नॉर्मली पढ़ के इस तरह से निकल जाना है। ओके, निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें ज्यादा आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है नहीं है बल्कि अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, नोट्स भी बनाने हैं आप लोग, इससे लगा लीजिए, क्वेश्चन अक्सर इससे पूछे जाते हैं, आपातकालीन इमरजेंसी जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें आप लोग लगा लीजिए। ओके, तो आप लोग इसको लगा लीजिए, एकदम इसको नहीं भूलना है। इसके अलावा आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, राष्ट्रपति को आपको घोल करके ऐसे पी जाना है, एकदम
ऐसे एकदम घोल घोल के पी जाना है, एक एक भी यहाँ से चीज छूटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति थोड़ा सा पढ़ के निकल जाना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति है इनकी कोई शक्तियां कोई कार्य नहीं है समानता। ओके, ये अपने पद पर रहते हुए एक ऐसा पद है जिनके पद पर रहते हुए कोई इनके लिए कार्य नहीं है, बल्कि सभापति के रूप में इनके लिए कार्य है, उनके लिए इसीलिए वेतन भत्ता है वो उपराष्ट्रपति के नाम पर नहीं दिया जाता है। इनको जो वेतन भत्ता है वो उपराष्ट्रपति के नाम पर नहीं दिया जाता है, बल्कि सभापति के नाम पर दिया जाता है। वो भी हम आपको बाद बताएंगे, वो एक अलग टॉपिक है। ओके, तो नॉर्मली इसको देख करके निकल जाना है। इसमें क्या क्या देखना है, उपराष्ट्रपति में क्या क्या देखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको देखना है इनका, इनको मतलब इनका जो निर्वाचन है वो कैसे होता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, और अगर इनको निकाला जाए तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, और इसमें ये कैसे अलग है, ये कैसे अलग है राष्ट्रपति के चुनाव से, कैसे अलग है राष्ट्रपति को जब महाभियोग चलाया जाता है उसके माध्यम से निकाला जाता है, और उपराष्ट्रपति को हटाना है तो किससे हटाना है, तो क्या करना है आपको कंपेयर कर लेना है दोनों को, बहुत जल्दी से कंपेयर करके निकल जाना है, और ज्यादा आपको नहीं देखना है, और साथ में देखना है कि इनको शपथ कौन दिलाता है। ओके, और ये अगर, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जैसे कि इनकी पदावधि है वो कितनी है, कितने इनकी, जैसे कि जो उसमें अर्हताएं होती है, अर्हताएं का मतलब होता है कि उसमें जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे आप लोग फॉर्म डालते हैं तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, कितनी आयु होनी चाहिए, ओके, भारत का नागरिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ओके, उसके ऊपर कोई केस चलता हो या ना चलता हो, तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। प्रधानमंत्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे संविधान में इनके बारे में ज्यादा नहीं दिया रखा है, नॉर्मली पढ़ के निकल जाना है, एक ही दो आपको आर्टिकल नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। देखिए मोस्ट पावरफुल व्यक्ति है हमारे इंडिया का, लेकिन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, हमारे संविधान में इनके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, बस एक दो आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में, तो केंद्रीय मंत्री परिषद है ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और नोट्स भी इसके बनाने हैं। ओके, तो इसको भी देख करके आपको निकल जाना है कि केंद्रीय मंत्री परिषद क्या है, उसका गठन क्या है, कार्य क्या है। ओके, किचन कैबिनेट क्या होता है। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कितने तरह की होती है, और यूएस में और ब्रिटेन में क्या अंतर है, तो एक कंपेरेटिव स्टडी करके आपको एक तरह से निकल जाना है। ओके, और आपको मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल है इसमें क्या अंतर होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिए, ये आपको अंतर पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद बड़ा होता है या मंत्रिमंडल बड़ा होता है, और इसमें क्या अंतर होता है, इनमें कौन से होते हैं, कौन कैबिनेट मंत्री होता है, कौन स्वेच्छा से मतलब कौन अपने अधिकार पूर्वक जो वहां पर सभा होती है उसमें भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, राजमंत्री क्या होता है। ओके, इस तरह से कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, और इसके अलावा एक आप देखेंगे बहुत तरह की इस तरह की चीजें होती है, जो विभाग का एक मंत्री होता है, मंत्रालय का एक मंत्री होता है, तो इस तरह के आप देखेंगे, तो उनको अलग अलग चीजें बोला गया, इस चीजें आप जाकर के एक बार देख लीजिए। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में, कमिटीज के बारे में बताया गया, तो नॉर्मली देख लेना है इसको, और थोड़ा थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट दिए रखे होंगे वो लिख लेने हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, और देखिए बहुत ही कम पेज में लिखे, सिर्फ 5 पेजों में ये पूरा का पूरा फिनिश कर दिए हैं, तो लगभग काम मुश्किल से पढ़ेंगे ना तो आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा पूरा पढ़ के इसको निकल जाएंगे। संसद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको देखना है कि हमारी केंद्र में किस तरह की पार्लियामेंट है, और उसमें आप देखेंगे कि आपको द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलेगी, एक तरफ आपको लोकसभा, दूसरी तरफ आपको राज्यसभा देखने को मिलेगी, लोकसभा में कैसे चुनाव होता है, राज्यसभा में कैसे चुनाव होता है, इसमें कैसे लोगों को हटाया जाता है, इसमें लोगों को कैसे हटाया जाता है, वो भी आपको देखना है। इसके अलावा कार्यकाल और इनकी नियुक्ति, निर्वाचन, इन सभी चीजों के बारे में देखना है, सीटों के आवंटन के बारे में देखना है। देखिए फिर से परिसीमन होने वाला है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर से सीटें बढ़ने वाली है, परिसीमन होगा तो परिसीमन क्या है अभी आपको देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में परिसीमन की बात चल रही है, तो आपको ये सारी चीजें देखते हुए चलनी है। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त बैठक क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सभापति होता है वो कहाँ पर होता है, और एक तरह से आपको स्पीकर देखने को मिलेगा वो कहाँ पर होता है। ओके, स्पीकर के पास कौन कौन सी पावर है। ओके, इसके अलावा जो वहां पर दल के नेता होते हैं उनके पास कौन कौन सी पावर है, इसके अलावा विपक्षी दल होता है उसके पास कितनी सीटें होनी चाहिए, संसद चलने के लिए कितने लोग होना अनिवार्य है, और बहुमत क्या होते हैं, किसी भी चीज को पारित करना, किसी बिल को पारित करना है तो वो कैसे पारित होगा, बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, इसके अलावा
आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे प्रभावी बहुमत क्या होते हैं। तो ये तीन तरह के बहुमत के बारे में बताया गया, इन तीनों बहुमत के बारे में आपको देखना है। ओके, कितने कितने इसमें सीटों की आवश्यकता होती है, कितना बहुमत पड़ना चाहिए, तो इस तरह से सारी चीजें चलती हैं। ओके, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, ओके, उसमें कितने कितने वोट उसके पक्ष में पड़ने चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे बिल्स के बारे में, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि संसदीय बजट क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक से ये देखिए, संसद में बजट, अरे चल गया, ये देखिए संसद में बजट, संयुक्त बैठक, विधायी प्रक्रिया। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना आप इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं पूरा संसदीय इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या बताएं, आपको सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। तो संसद है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको अभी बताए थे। इसके अलावा संसदीय समितियां, संसद की कुछ स्पेशल समितियां होती हैं, पार्लियामेंट की कमेटी होती है, उनके लिए भी आपको देखना है। ओके, ये आपको देखना है, इसको देख करके निकल जाना है, इसमें ज्यादा समय आपको नहीं देना है। ओके, नॉर्मली देख करके निकल जाना है, इसमें ज्यादा समय नहीं देना। ओके, और फिर आगे आपको देखने को मिलेगा संसदीय मंच, फोरम्स के बारे में इसमें बताया गया, तो कुछ फोरम्स हैं उनके बारे में भी आपको देखना है और नॉर्मली निकल जाना है। इसके अलावा संसदीय समूह के बारे में बताया गया, तो संसदीय समूह को भी नॉर्मली देखना है, निकल जाना है, कुछ कुछ की पॉइंट है वो आपको ऐड कर लेने हैं, बस आपको नॉर्मली निकल जाना है। फिर उसके बाद आपको उच्चतम न्यायालय देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट, जितना इम्पोर्टेंट लगाना है आप लगा लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगा लीजिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट है, आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसका, वो कैसे पद पर आता है, कौन कौन सी उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा उसको हटाया कैसे जाता है, उसको वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है, और पेंशन है उसको कहाँ से दी जाती है, क्योंकि आप देखेंगे एक सुप्रीम कोर्ट होता है, इसी तरह आपको एक हाई कोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो अभी आएगा, नीचे अभी आने वाला है। ओके, हाई कोर्ट SC 1 ईयर, सॉरी। ओके, तो आप देखेंगे ना इसमें जो वेतन होता है, वेतन अलग से दिया जाता है, इसमें वेतन अलग से दिया जाता है, ओ सॉरी, इनको जो वेतन दिया जाता है, हाँ, वो अलग से दिया जाता है, लेकिन जो पेंशन होती है वो दोनों को एक ही जगह से दी जाती है। ओके, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो एक आपको देखने को मिलेगा जो एक कोटा होता है, ओके, एक आपको देखने को मिलेगा पूरा देश का होता है कोष, एक होता है राज्य का कोष होता है। तो सुप्रीम कोर्ट आप हाई कोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा, राज्य में देखने को मिलेगा, तो राज्य का जो कोटा होता है, जो उनका कोष होता है, तो उस कोष से वेतन देना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया, हाई कोर्ट के जज को दिया जाएगा, लेकिन अगर पेंशन और भत्ते की बात आएगी तो वो कहाँ से दिया जाएगा, वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन अगर वेतन देना होगा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको, तो वो कौन देगा, राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, और इनको हटाया कैसे जाता है, ये महाभियोग से प्रक्रिया कैसे अलग है वो भी आपको देखना है, कि राष्ट्रपति को भी हटाया जाता है, वैसे आप देखेंगे इनको भी वैसे ही सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा, लेकिन उसको महाभियोग क्यों नहीं बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ये जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यायिक समीक्षा है जो न्यायालय को देती है, वो बहुत ही पावरफुल बना देती है, अगर यही क्या है, कंट्रोल करती है, आपको देखने को मिलेगा संसद और कार्यपालिका है उसको एक तरह से कंट्रोल करती है, कि उनके जो बिल्स होते हैं, जो भी उनके पारित करके जो भी वो अधिनियम लेके आते हैं, उनको क्या कर सकती है, ये उनका मूल्यांकन कर सकती है। ओके, फिर से उनका एक तरह से रिव्यू कर सकती है, तो ये पावर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर उसे लगता है संविधान सम्मत नहीं है या फिर ये ठीक नहीं है, तो उसे खारिज भी कर सकती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये भी आपको देखना है, क्योंकि वर्तमान में आपको न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली एक केस भी आया था केरल और कर्नाटक में, सॉरी कर्नाटक नहीं, सिविल केरल था, उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म पर दिया था, कि न्यायपालिका है वो अपने ही केस नहीं संभाल पा रही है, और वो अलग अलग मुद्दों पर क्यों बात कर रही है, पहले अपने केस है उसका ऐसे चट्टा लगा हुआ, पहले उनका समाधान करें, वो दूसरे कार्यपालिका और आपको देखने को मिलेगा विधायिका है उसके कार्यों में क्यों हस्तक्षेप कर रही है, उसके शक्ति के क्षेत्र में क्यों हस्तक्षेप कर रही है। तो इसमें देखिए काफी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज है, इसको देखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहले इस क्वेश्चन से नहीं आते थे लेकिन अभी ये न्यूज में आ गया है, इसीलिए आपको देखना है, तो आप लोग जब न्यूज देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जनहित याचिका के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले लेनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी आपको देखने को मिलेगा जनहित याचिकाएं दायर की जाती है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो जनहित याचिका क्या होती है भैया, कैसे दायर की जाती है,
तो ये चीजें आप लोग देख देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए राज्यपाल, अब जैसे केंद्र है वैसे ही आपको स्टेट भी देखने को मिलेगा, राज्य देखने को मिलेगा, तो उसका भी एक अपना गवर्नमेंट का सिस्टम है ना। जैसे केंद्र में होता है राष्ट्रपति, वैसे ही आपको राज्य में देखने को मिलेगा राज्यपाल। जैसे केंद्र में होता है प्रधानमंत्री, ऐसी आपको राज्य में देखने को मिलेगा सीएम। वहां की होती है पार्लियामेंट, यहाँ की भी आपको एक पार्लियामेंट देखने को मिलेगी, तो सेम सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जब आप केंद्र में राष्ट्रपति को पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति को पढ़ रहे हो, उसी समय आपको खोल के रखना है राज्यपाल। दोनों को पढ़ना है, देखना है दोनों की शक्तियों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या सिमिलरिटी है, दोनों को कैसे कैसे लाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन गवर्नर का निर्वाचन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये रिप्रेजेंट करता है केंद्र को, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ओके, पावर्स की बात करें, क्षमादान की शक्तियां, तो उनको ऐसे कंपेयर करना है, दोनों हैं, उनकी कितनी आयु होनी चाहिए, कितनी अवधि होती है, ये सारी चीजें आपको देखती हुई चल रही है। इसी तरह जब आप मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं, तो आप केंद्र में किसको रखिए, आपको पीएम रखना है, मतलब प्रधानमंत्री को रखना है, और दोनों को पढ़ना है, साथ साथ पढ़ना है, दोनों की शक्तियां देखना है, दोनों का देखना है कि कैसे चुनाव होता है, कैसे पदों से मुक्त किया जा सकता है, दोनों को एक साथ आपको कंपेयर करके पढ़ना है। ओके, तो क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल भी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री भी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, इसी तरह आपको केंद्र में मंत्री परिषद देखने को मिलेगी, इसी तरह आपको राज्य में भी मंत्री परिषद देखने को मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको देख करके निकल जाना है। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपको देख करके निकल जाना है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब आपको राज्य की विधानमंडल देखने को मिलेगा, राज्य का विधानमंडल, जैसे केंद्र का विधानमंडल था, ओके, जिसको आप पार्लियामेंट बोलते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा, इसी तरह आपको राज्यों की भी विधानसभा विधानमंडल देखने को मिलेगा, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं। ये जब आप वहां पढ़े तो सेम टाइम आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे आप केंद्र की पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी टाइम आपको राज्य की भी आपको देखनी है, केंद्र के साथ में राज्य की भी देखनी है और कंपेरेटिव स्टडी करना है। देखिए बहुत सारे राज्य वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, और मैक्सिमम राज्य जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी केंद्र की तरह, तो ऐसा क्यों किया गया है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो वो हम आपको बता देंगे। हाई कोर्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जब केंद्र में आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तब आपको सेम टाइम आपको हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, और देखना है दोनों की शक्तियों में क्या अंतर है, वहां का जज और यहाँ का जज है, उनके पावर में कुछ अंतर है क्या, दोनों की नियुक्ति कैसे की जाती है, दोनों की पदमुक्ति कैसे की जाती है, दोनों को कार्यकाल कितना होता है, वेतन और पेंशन भत्ता है वो कितना कितना रखा जाता है, तो ये सारी चीजें आपको देखना है, ये सारी चीजें आपको देखना है। ओके, देखिए अभी कोरम में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, ओके, जहां से जो जज हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, तो इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसको नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए, 33 वाला है, नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए, इसमें ज्यादा टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ऐसे पढ़ के आपको निकल जाना है। ओके, इसके अलावा जम्मू कश्मीर बेचारा, इसकी तो लंका दहन हो गई है, जम्मू कश्मीर है, इसकी तो बेचारी लंका दहन हो गई है, तो इसको अभी नहीं देखना है। रिसेंटली यहाँ पर परिसीमन का काम चल रहा है, फिर से अभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, फिर से बेचारे को एक राज्य में परिवर्तित किया जाएगा, तो हमारा जम्मू कश्मीर है वो उसमें रिसेंटली चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, कोई काम का नहीं रह गया। ओके, तो आपको रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें देखिए कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, बहुत सारे राज्य हैं जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, विशेष प्रावधान है वो लेना चाहते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है हम किसी राज्य को विशेष दर्जा देते हैं, और एक होता है विशेष राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर था क्या, वो एक विशेष राज्य था, तो हमारे यहाँ विशेष राज्य की मनाही है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसीलिए हमने क्या, जम्मू कश्मीर को अभी जो हमने एक विशेष दर्जा दिया था वो समाप्त कर दिया, लेकिन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है ये हमारे हमारे संविधान में लीगली है, इसको मान्यता दी गई है कि हम किसी भी राज्य के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं, विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात है, नागालैंड है, असम, मणिपुर है, ऐसे आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, आपको अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, ये सब देखने को मिलेंगे। इन राज्यों के लिए हमने स्पेशल प्रोविजंस किए हैं, विशेष प्रावधान किए हैं इन राज्यों के उत्थान के लिए। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें देखना है कौन कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए तभी हम उस राज्य के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा लगनी चाहिए, ओके, और उसमें देखिए आप देख सकते हैं कि वन क्षेत्र, और आप देख सकते हैं कि जो दुर्लभ क्षेत्र ज्यादा होने चाहिए, जैसे पर्वत पहाड़ी वाले क्षेत्र होने चाहिए,
उस देश में आपको गरीबी देश नहीं सॉरी राज्य में गरीबी और इसका स्तर आपको देखने को मिलेगा, तो उन्हीं को डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका उत्थान करना है, ऑलरेडी कोई उत्थान किया हुआ है तो उसको हमें उत्थान क्यों करना है, उत्थान नहीं करना है। ओके, तो इसीलिए ऐसा किया गया है। इसमें प्रॉफिट क्या होता है वो भी आप लोगों को देखना है, क्योंकि उनको जो ऋण दिया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं, तो उसमें बहुत एक बड़ा अमाउंट होता है, केंद्र होता है वो उनको फ्री दे देता है। ओके, तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या, इसको ज्यादा नहीं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना, इस वाले टॉपिक में ज्यादा टाइम नहीं देना था, बस ये देख लेना कौन कौन से राज्य अभी वर्तमान में हैं और कौन कौन राज्य हैं वो मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको देख लेना है, इसके अलावा आपको देख लेना कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तब हम किसी राज्य को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। बस इतना ही देख करके आपको निकल जाना है। ओके, इसके अलावा आपको जो पंचायती सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो संशोधन लाया गया था उसको देख लेना है। ओके, उसमें अगर इसमें जो संशोधन है वो किए गए वो आपको देख लेने हैं, वर्तमान में स्थिति क्या है वो आपको देख लेनी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको देख लेना है। और पंचायती राज है, इसको इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। ओके, इसी तरह आप देख सकते हैं म्यूनसिपालिटीज, जैसे देख सकते हैं कि गाँव का एक सिस्टम होता है, इसी तरह आपको देखने को मिलेगा शहरों का एक अपना एक अलग सिस्टम होता है, जिसको म्यूनसिपाल के नाम से जानते हैं। ओके, नगर पालिका नगर निगम के नाम से जानते हैं, नगर निगम नगर पालिका आपको देखने को मिलेगा, ये अलग अलग होती है, हम आपको बताएंगे। जैसे कोई बड़ा शहर हो गए तो उसको नगर निगम बोलेंगे, उससे छोटा है तो उसको आपको देखने को मिलेगा नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है, नगर निगम के नाम से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सब है, जनसंख्या के आधार पर इनका बंटवारा किया जाता है, ये भी बाद में आएगा तब आपको बताया जाएगा। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश हैं यूनियन टेरिटरी, जैसे कि दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, दमन दीप, ओके, दादर एवं नागर हवेली, ये सब आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर है वो भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली इसमें क्या हुए, चेंजेस हुए हैं, और दमन दीप और दादर एवं नागर हवेली है उसको भी अभी एक ही बना दिया गया, तो दो चेंजेस हुए हैं, एक यूनियन टेरिटरी है, एक तो जम्मू कश्मीर वाला आपको देखने को मिलेगा। ओके, जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपको दादर एवं नागर हवेली और एक एवं दमन एवं दीप आपको देखने को मिलेगा, इनको मिलाकर के एक ही कर दिया गया है। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीजें होती है जहां से क्वेश्चन नहीं आते लेकिन वो न्यूज में आ जाता है, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा देख लेना है। हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम आखिर उन्हें राज्य क्यों नहीं बना देते, तो उन चीजों को आपको देखना है, और इसके लिए संविधान में क्या विशेषताएं, कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो ये देख करके आपको निकल जाना है। इसके अलावा हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ा सा देख लेना है और निकल जाना है, ट्राइब्स के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। अब संवैधानिक निकाय की बात करते हैं, संवैधानिक निकाय की बात करते हैं, तो संवैधानिक निकाय है तो इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप देख सकते हैं इसमें लगभग में 3 से 4 पेज में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें आपको देख लेना निर्वाचन आयोग है उसमें कितने लोग होते हैं, इसके अलावा आपको देखना है कि उसके शक्तियां क्या होती हैं, इसके अलावा आपको देखना है उनका निर्वाचन कैसे होता है, पदमुक्ति कैसे होती है, उनके वेतन भत्ते हैं वो किसके अनुसार दिए जाते हैं, किससे कंपेयर किया जाता है, तो ये चीजें देख करके निकल जाना, बहुत ही छोटा टॉपिक है, एकदम निकल जाना। संघ लोक सेवा आयोग, आप लोग इसी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो यूपीएससी के बारे में जानना तो वैसे जरूरी, भले यहाँ से क्वेश्चन आए या ना आए फिर भी इसके बारे में जानना लाजमी है, तो इसके लिए हम इसमें नहीं बताएंगे इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये पढ़ना सभी के लिए है। ओके, भले ही यहाँ से क्वेश्चन ना आते हैं फिर भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है लोक सेवा आयोग के बारे में, और राज्य लोक सेवा आयोग इसका भी आप लोग एग्जाम देते हैं तो इसका भी आपको पढ़ना है। ओके, जिस भी स्टेट का आप पेपर देना चाहते हैं तो इसकी भी व्यवस्था क्या है हमारे संविधान में की गई। ओके, वित्त आयोग है, इंपॉर्टेंट है, अभी आज ही हम आपको बताए थे एक विभाग है उसको इसमें डाला गया है, तो आप लोग देख सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट हो गया तो देखिए आपको पता चल जाता है, जैसे न्यूज आप लोग देखते रहेंगे सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। इसमें पहले कितने विभाग थे, तो आपको 5 विभाग देखने को मिलेंगे, अब रिसेंटली एक विभाग और जोड़ दिया गया, अब टोटल कितने हो गए, 6 विभाग हो गए। ओके, तो देखिए चेंज हो गया ना, इसलिए क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, कहाँ से पता चलेगा, अभी हम आपको दिखाए थे, देखिए अभी आपको दिखाते हैं, फिर से एक बार दिखा देते हैं, देखिए ये हम जो न्यूज देते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग इसको लिखा करिए। ओके, देखिए ऊपर इसमें दिया रखा है, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर देंगे जस्ट अभी आ जाएंगे, ये देखिए। ओके, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो गया ना, आज ही हम आप लोगों के लिए सेंड किए थे। इसमें एक विभाग है सार्वजनिक उद्यम विभाग है,
जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ला दिया गया। तो टोटल देखिए पहले कितने थे, पांच विभाग थे, अब एक विभाग ये वाला है और जुड़ गया। तो आप लोगों को देखना, देखिए हम सब कुछ बता देते हैं इसमें कि पहले कितने विभाग थे, अब टोटल कितने विभाग हो गए, कौन कौन सी मिनिस्ट्री थी, वो पहले किसके अंडर में आती थी, अब किसके अंडर में आती है, तो ये हम सब कुछ बता देते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। हम कुछ भी ऐसी चीज नहीं देते हैं जो आपके फालतू की हो, हम सब कुछ वो देते हैं जो एकदम परिष्कृत हो और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो इसीलिए नोट करके लिखना है, इसीलिए आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा लाइफ में कि सर बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप खुद कह देंगे सर हम बताते हैं आपके लिए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहेंगे तो। ओके, इसके अलावा न्यूज़पेपर देखिए मंडे से लगभग हम कोशिश करेंगे आप लोगों की करंट क्लासेस स्टार्ट कर दोगे। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग बनाया गया है। नॉर्मली पढ़ के निकल जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली पढ़ के निकल जाना है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं ए बी ठीक है, सॉरी ये नीचे जो नहीं हो रहा है, अब देखिए ये भी है, थोड़ा सा पढ़ के निकल जाना है। भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ओके, अधिकारी सॉरी, वो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली पढ़ के निकल जाना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ के निकल जाना है, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल है, आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके। इसकी शक्तियां कौन, ये रिपोर्ट, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, पदमुक्ति कैसे होती है, ये रिपोर्ट कौन सी देता है, रिपोर्ट किसके लिए पेश करता है, किसको देता है, किसको सौंपता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसकी शक्तियां कर्तव्यों के बारे में भी देखना है, ओके, और इससे हमारे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी आपको देखना है, ओके, किस तरह से लाभकारी है हम लोगों के लिए वो भी आपको देखना है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल होता है, तो अटॉर्नी जनरल के बारे में भी आपको देखना है, इसके कार्य क्या होते हैं और ये उससे कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगा, कैसे अलग है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। इसके भी नियुक्ति कार्यकाल शक्तियों के बारे में देखना है, ये क्या काम करते हैं, तो ये भी आपको देखना है, ओके। राज्य के अधिवक्ता, ओके, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये किसके लिए काम करते हैं, एक सरकार के लिए स्पेशली एक क्या अपॉइंट किया जाता है, एक तरह से वकील अपॉइंट किया जाता है, ये लीगल अधिकारी होता है, आप देख सकते हैं जो संसद में आप देखेंगे कि अधिकार पूर्वक भाग ले सकता है, मतलब वहां पर जाकर के भाग ले सकता है, ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इन्हें पूरे भारत में जितने भी न्यायालय है वहां पर सुनने का अधिकार है, किसी भी जाकर के किसी भी न्यायालय में जाकर के भारत सरकार के लिए केस लड़ सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके भी आपको देखना है क्या है इनकी चीजें होती है, तो नॉर्मली देख करके निकल जाना, बहुत ही छोटा है, देखिए आप देख सकते हैं ये कितने कितने हैं, एक एक पेज में दिए रखे हैं, सिर्फ एक एक पेज में दिए रखे हैं, एक एक पेज में, यानी कि आपको मुश्किल से ऐसे 20-25 मिनट लगेंगे इन चीजों को पढ़ने में, ओके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आगे आएंगे गैर संवैधानिक निकायों के बारे में, जैसे कि नीति आयोग, ये बेचारा अब तो समाप्त हो गया नीति आयोग, अब योजना आयोग, ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से ये सारी इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मानवाधिकार आयोग, इसको देखना चाहते हैं थोड़ा सा देख करके निकल जाइए, मानवाधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए चले जाइए, 5 पेज में दिया रखा है, इसमें मुश्किल से आपको 1 से 2 पेज है इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। राज्य का मानवाधिकार आयोग, नॉर्मली देख करके निकल जाइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख करके निकल जाइए, ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। राज्य का भी आपको एक देखने को मिलेगा सूचना आयोग, नॉर्मली देख करके निकल जाएगी, अगर न्यूज आपको कोई मिल जाती है तो आपको इसमें विस्तार से थोड़ा पढ़ लेना है, अगर कोई भी न्यूज आ जाती है इससे रिलेटेड। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिल जाएगा, ये आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिल जाएगा, ये आपको देख लेना है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, नॉर्मली देख करके निकल जाइए, ज्यादा टाइम इस पर नहीं देना है, नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आप लोग पुलिस पुलिस की तैयारी करते हैं, इस तरह के एग्जाम एसआई का एग्जाम देते हैं, तो एसआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ओके। अभी यहाँ पर लोकपाल के बारे में बताया गया, तो लोकपाल के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के निकल जाइए, और एक दो इसमें कीवर्ड जो आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा अन्य संवैधानिक आयाम आप लोग नोट करते रहिए, ओके, आप लोग कॉपी पेन खोल के रखिए, वो जो भी हम आपको बता रहे हैं, सहकारी समितियों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज दे रखा है, नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए। राज्य भाषाओं के बारे में थोड़ा सा निकल जाइए पढ़ के, और देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, उन्हें रिसेंटली ऐड किया गया है, ओके, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके द्वारा कौन कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं, वो देख करके आपको निकल जाना है, और ज्यादा टाइम इस पर नहीं देना, ओके। इसके अलावा आप देख सकते हैं लोक सेवाओं के बारे में बताया गया, पब्लिक सर्विस होती है वो क्या होती है, ओके, उनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है,
नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ट्रिब्यूनल्स के बारे में थोड़ा सा बताया, नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए, ज्यादा टाइम नहीं देना। इसके अलावा सरकार के अधिकार के जो दायित्व है उनके बारे में नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए, ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हिंदी भाषा में संविधान का इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए। नहीं पढ़ना चाहते तो भी कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा आपको। ओके, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई भी ऐसा न्यूज आ जाता है तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। राजनीतिक दलें नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लीजिए जैसे राष्ट्रीय स्तर के दल होने के लिए कौन कौन सी चीजों का होना आवश्यक है, हम किसे किस कैटेगरी में रखेंगे, कौन राज्य स्तर का कौन राज्य स्तर का है, तो इस तरह से। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसमें देख करके फिर आपको निकल जाना है कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कितने सीटों पर जीत होनी चाहिए, अगर राज्यसभा लोकसभा में कितनी सीटें जीतना है और विधानसभा में कितनी सीटें जीतना है, ये सारी चीजें आपको देखना है। इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा देखिए, इम्पोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। ओके, छोड़ना नहीं है। निर्वाचन के बारे में आपको देखना है, निर्वाचन तंत्र के बारे में देखना है, उसकी प्रक्रिया के बारे में देखना है, मतदान का व्यवहार। ओके, ये भी नॉर्मली मतलब नॉर्मली पढ़ के निकल जाइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं चुनाव कानून, नॉर्मली देख करके निकल जाइए। ओके, एक दो आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको आपको देखना है, इसमें जो संशोधन हुए थे उस संशोधन को भी आपको देखना है। ओके, तो और पढ़ के निकल जाना है, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है। ओके, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको स्किप नहीं करना है। चुनाव सुधार के बारे में इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली इस पे काफी डिस्कशन चल रहा है, तो पहले जाए क्वेश्चन ना पूछेगा लेकिन अभी वर्तमान में इम्पोर्टेंट हो जाता है। दल बदल है, देखिए दल बदल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, दल बदल भी आपको पढ़ना है, दल बदल आपको नहीं छोड़ना है। दबाव समूह के बारे में आपको एक बार देख लेना है, नॉर्मली दबाव समूह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो तो आपका हम बाद में भी जब आप तो सोशल इश्यूज पढ़ा रहे होंगे वहां पर भी आपको ये कवर हो जाएगा। तो दबाव समूह के बारे में थोड़ा सा पढ़ के निकल जाएगी, ज्यादा इसमें आपको माथापच्ची नहीं करनी। इसके अलावा राष्ट्रीय जो एकता है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया, इसके बारे में विदेश नीति है आपको नहीं पढ़नी है, छोड़ देनी है, विदेश नीति क्या है। ओके, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, यहाँ पर एकदम छोड़ के निकल जाना है। राष्ट्रीय एकता के बारे में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं। संविधान की कार्यपालिका के बारे में यहाँ पर बताया गया, कुछ आयोग के बारे में और यहाँ पर आयोग जो है उनके मत के बारे में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स वोट्स आपको नहीं बनाने हैं। तो आपने देख लिया लास्ट के जो है वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे निर्वाचन और वाचन हो गया उसकी प्रक्रिया हो गई वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो ये आपको सबको समझ में आ गया ना किस तरह से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको ये दिए जाते हैं इसको आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, और नोट डाउन तो जरूर करना है आपको कॉपी पर, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम चीजें आपको बताते हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। एक्चुअली हमारे घर से फोन आ रहा है, चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। ओके, मम्मी वो काफी परेशान हो रही है, काफी रात हो गई है, बात कर लेते हैं एक बार।